नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रतम में। मैं हूँ आपके साथ अभिषेक श्रीवास्तव। कोलकाता कांड को लेकर प्रदर्शन कर रहे आर्जेकर अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल आंशिक रूप से हुई खत्म। 41 दिन बाद काम पर लौटेंगे जूनियर डॉक्टर। प्रदर्शन पर बैठे डॉक्टर सिर्फ आवश्यक सेवाओं के लिए ही काम करेंगे, हड़ताल सिर्फ आंशिक रूप से ही खत्म हुई है। तिरुपति के प्रसाद में मिला फिश ऑयल, सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कही थी जानवरों की चर्बी। मिले होने के बाद उन्होंने बुधवार को आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी पर आरोप लगाया था कि जगन के राज में तिरुपति मंदिर के प्रसाद में घी की जगह जानवरों की चर्बी मिलाई गई। केजरीवाल बीजेपी के खिलाफ खोलेंगे मोर्चा, 22 सितंबर को जंतर मंतर पर लगाएंगे जनता की अदालत। नवादा अग्निकांड को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आया बयान, बोले 28 में से अब तक 15 आरोपी गिरफ्तार। अवैध निर्माण के खिलाफ उत्तराखंड सरकार सख्त, उत्तराखंड के लक्सर तहसील की मस्जिद में हो रहे अवैध निर्माण को ढाया गया। मालदीव की ओर भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ, मालदीव के अनुरोध के अनुसार भारत ने 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर रोल ओवर करने का निर्णय लिया। अब्दून एक्सप्रेस की पटरी से उतारने की साजिश, रामपुर में ट्रैक पर मिला लोहे का खंभा। जम्मू कश्मीर के कटरा में पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा, कहा कांग्रेस के घोषणा पत्र से पाकिस्तान खुश। बिहार के 5 लोकेशन पर एनआईए की रेड, नक्सली गतिविधि से जुड़े मामले में जेडीयू की पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के ठिकानों पर छापेमारी। बंदूक मामले में हंटर बाइडन को 4 दिसंबर को सुनाई जाएगी सजा, यूएस के राष्ट्रपति बोले बचाने के लिए नहीं करेंगे कोशिश। पेजर समेत अन्य इलेक्ट्रिक डिवाइस में ब्लास्ट से दहशत का माहौल, लेबनान में फ्लाइट में पेजर नहीं ले जा सकेंगे लोग, वॉकी टॉकी पर भी लगा बैन। पहले पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट और अब इसराइल फाइटर जेट ने लेबनान में बरसाए बम, इसराइल का दावा 2 की हुई मौत। हिजबुल्ला चीफ नसरुल्ला की इसराइल को बड़ी धमकी, पेजर ब्लास्ट को युद्ध की घोषणा बताया। 26 सितंबर को व्हाइट हाउस में जेलेंस्की और बाइडन की होगी मुलाकात, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका जारी करेगा अगली सुरक्षा सहयोग राशि। राहुल बाबा और प्लोटरा गैंग में गैंगवार, रोहतक में शराब ठेके पर बैठे 5 लोगों को गोली मारी, 3 की मौत, 2 घायल। साइबर ठगों के निशाने पर सराफा कारोबारी, अलग अलग राज्यों के गिरोह उत्तर प्रदेश में सक्रिय। उत्तराखंड मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में पकड़ा गया फर्जीवाड़ा, 113 मिले अपात्र, 8 मृत बच्चे भी शामिल। बिहार में हुआ नाव हादसा, बिजली के पोल से टकराई नाव, कई लोग नदी में हुए गायब। पंजाब में 20 अक्टूबर से होंगे पंचायत चुनाव, अधिसूचना जारी। तो ये थे आज सुबह के कुछ मुख्य समाचार। खबरों में अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के रतम ऐप को डाउनलोड करें।